हाय गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो या तीन प्रोडक्ट्स के बारे में। पहला है गोडॉक्स का BD04, जो कि एक बांडोर और हनीकॉम ग्रिड और जेल का सेट है। और दूसरा प्रोडक्ट है एक गोडॉक्स का स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर 7 इंचेस वाला। और तीसरा प्रोडक्ट है गोडॉक्स का S2 ब्रैकेट। तो बेसिकली जो बांडोर किट है उसके अंदर आपको जेल्स मिलेंगे और ग्रिड मिलेगी और बांडोज मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी कंटिन्यूस लाइट या जो भी स्टूडियो फ्लैशेस है बोवन माउंट की, उस पर आप कलर इफेक्ट दे सकते हैं बैकग्राउंड पे या प्रोडक्ट शूट पे या पोर्ट्रेट्स में। अगर आपको हनीकॉम से हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस खींचनी है या लो लाइट में बिल्कुल स्पॉट लाइटिंग करनी है तो ग्रिड के साथ आप शूट कर सकते हो। और बांडोर से भी आप अपनी जितनी भी कंटिन्यूस लाइट्स है उसका भी आप अपना बीम कंट्रोल कर सकते हो या फ्लैश का भी अपना स्पिल कंट्रोल कर सकते हो हार्ड लाइट के अंदर। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, फिर एंड में डेमो दे दूँगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले जो मेन प्रोडक्ट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है बांडोर किट BD04 गोडॉक्स का। ये मेटल का है पूरा सिस्टम। इसमें आपको ये मिलेगा बांडोर सेट और एक इसके बीच में ग्रिड लगी हुई है। ये चीज़ है 40 डिग्रीज की ग्रिड है ये हनीकॉम। ये रिमूवेबल है, अब इसको वापस अगर नहीं यूज़ करनी तो आप निकाल भी सकते हैं, सिर्फ बांडोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्लिप दिया गया है, ऐसे क्लिप के थ्रू ये अटक जाती है, ये अटक गई। और अगर इसको आपने अटैच करना है तो पीछे से आप बेसिकली यहाँ पे क्लिप दिया गया है। तो अगर आपके पास कंटिन्यूस लाइटिंग है जैसे SL60 वगैरह, तो उसके जो स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर्स हैं उस पर तो ये डायरेक्टली लग जाएगी क्योंकि उसमें 7 इंच का ही आता है। लेकिन अगर आपके पास SK400 है या AD600 वगैरह हैं तो उनके स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर नहीं आता, तो फिर आपको इसके लिए 7 इंच का रिफ्लेक्टर लेना पड़ेगा। जो इस पर माउंट होता है वो है ये 7 इंच का रिफ्लेक्टर। प्लस इसके साथ आते हैं 4 जेल्स, ये जेल्स हैं। ये 4 जेल्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो, जिससे आप अपने कलर्स का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जो जेल है वो इसके ऊपर, इसमें 2 मैग्नेट्स दिए गए हैं तो ये इसके ऊपर लग जाता है ऐसे करके, एक साइड से स्लाइड होता है और एक साइड से चिपक जाता है। ये आपको बस इसको स्लाइड करना है इसके अंदर ऐसे, ये हो गया फिट। अब जो भी लाइट आएगी वो आपकी जेल के थ्रू आएगी और रिफ्लेक्टर इस पर अटैच हो जाएगा पीछे। और ग्रिड का मैंने आपको बता ही दिया, ग्रिड इसके अंदर आगे से लग जाएगी, अभी विदाउट ग्रिड है। अब मैं आपको रिफ्लेक्टर लगा के दिखा देता हूँ। ये है इसका जो रिफ्लेक्टर है, ये अलग से परचेज करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी लाइट में नहीं आता। ये रिफ्लेक्टर इसके ऊपर लग जाता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये क्लिप को हटाना है। क्लिप हटा के रिफ्लेक्टर को आपको इसकी शेप में लगा देना है। ये इसके अंदर जैसे ही आपका रिफ्लेक्टर एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद वापस इसी केबल से इसको लॉक कर देना है। तो ये हो गया आपका अटैच। तो ये आपका हो गया बांडोर किट तैयार। अब इसको आप अपनी बोवन माउंट किसी भी लाइट पे लगा सकते हैं, SL60, SL100 या आपकी AD600 हो गई, 400, जो भी बोवन माउंट की है। और अगर आपको स्टूडियो लाइट पे लगाना है तो स्टूडियो लाइट पे SK400, 600, QS600 सब पे लग जाएगा ये वोमेंस माउंट पे। और लेकिन अगर आपको इसको स्पीड लाइट पे लगाना है तो उसके लिए आपको बोवंस टाइप का ब्रैकेट लेना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो जो तीसरी एक्सेसरी आज हमारी है वो वही है, वो है S2 ब्रैकेट, वो बोवंस माउंट का होगा। ये S2 ब्रैकेट है। अगर हमारे को इसी को
बेसिकली आपको अगर आपको इसी चीज़ को स्पीड लाइट जैसे AD200, 300, 400 या V1 जितनी भी स्पीड लाइट है उस पर यूज़ करना है तो ये बोमन माउंट अडॉप्टर आता है। ये नया मॉडल है, पहले S1 आता था, अब S2 आ गया। इसके अंदर आप ये लगा सकते हो, ये है आपका S2 ब्रैकेट। ये स्टैंड पे लग जाता है नीचे और एडजस्टेबल है बिल्कुल, किसी भी एंगल पे आप इसको टाइट कर सकते हो। ये हो गया टाइट, ये हो गया टाइट, और इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो साइज़ के हिसाब से, जो भी आपकी साइज़ है प्रोडक्ट का वो इसके अंदर फिट हो जाएगी। इसमें ख़ास बात यह है नए मॉडल के अंदर कि इसमें राउंड हेड फ्लैश जैसे V1 वगैरह भी लग जाएगी, और स्पीड लाइट तो पहले वाले में भी लगती थी, तो ये इसमें ये जो सेंटर क्लिप है ये निकल जाता है स्लाइड होके, ये निकल गया। ये निकलने के बाद आपकी राउंड हेड फ्लैशेज लग जाएगी साइज़ के हिसाब से। अगर आपको AD300 लगानी है तो ऐसे लग जाएगी, V1 लगानी है तो आपको एक दोनों में से एक पीस लगाना पड़ेगा और एक निकल जाएगा। मैं दो पीसेस दिए हुए हैं, तो एक ब्रैकेट में जैसे आपको बताया था V1 लग जाती है और AD300, 200, 100 सारी लग जाती हैं। अब जैसे मैंने एक पीस जो इसका रिमूवेबल पीस था वो निकाल दिया, इसके बाद इसको लूज़ करके ये हमारी फ्लैश इसके अंदर चले जाएगी और फिर हमने इसको वापस से टाइट कर देना है। ये हो गया फिट हमारा, ये आपकी स्पीड लाइट फिट हो गई इसके अंदर। ये हो गई फिट। अब इसी के ऊपर हम अपना बोवन माउंट पे अपना बांडोर लगा सकते हैं और जेल्स का इफेक्ट ले सकते हैं और ग्रिड का भी। मैं आपको माउंट करके दिखा देता हूँ। ये जैसे अपना रिफ्लेक्टर उठाया और इसको अलाइन करके इस पर माउंट करना, ये हो गया आपका माउंट, ये आपकी फ्लैश इसमें सेट हो गई है। अब इसका जो भी कलर आएगा उस पर लाइट पे इफेक्ट आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट आ रही है, और जो भी हमारा स्पेल है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्पीड लाइट के साथ भी अपने कलर्स इसके अंदर आ गए हैं। अभी ब्लू जेल लगाया है, ऐसे ही आप जेल चेंजर भी कोई भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक बार एंड में इसको कंटिन्यूस लाइट के साथ भी चला के दिखा दूँगा SL60 पे, उससे आपको कंटिन्यूस लाइट का भी आइडिया लग जाएगा। अब एक्सटर्नल लाइट पर आपको दिखाते हैं इसका टेस्टिंग। ये SL60 लाइट जैसे आप देख सकते हैं इस पे हमने इसको लगा दिया है बांड डोर को विद ग्रिड और रेड जेल, तो ये इसका इफेक्ट आ गया रेड जेल, और जो भी स्पिल है आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा बांड डोर से। तो आपको जिस जगह पे भी एग्जैक्ट लाइट मारनी है लाइट को आप एडजस्ट करके बिल्कुल वहीं पे एग्जैक्ट लाइट दे सकते हैं। ये आपकी लाइट पॉइंट हो गई सब्जेक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट शूट में भी काम आ सकता है, फैशन में भी काम आ सकता है, वो आपकी नीड के ऊपर है जैसा आपका काम है। ऐसे ही रेड जेल की जगह हम ब्लू जेल वगैरह कोई भी लगा सकते हैं और इंटेंसिटी इसको भी कम ज़्यादा कर ही सकते हैं ऐसे लाइट की, उससे इफ़ेक्ट आ जाएगा। और यही अगर हम ग्रिड हटा देंगे तो ग्रिड हटाने से इस चीज़ का आपका जो स्प्रेड है बढ़ जाएगा। एक बार पहले मैं जेल हटा के दिखाता हूँ, फिर आपको एंड में ग्रिड हटा के दिखा दूँगा। ये हार्ड लाइट पड़ रही है विद ग्रिड, जेल मैंने हटा दिए, ये लाइट एकदम सब्जेक्ट पे पड़ रही है। मैं इसको हटाता हूँ एक बार, ये विदाउट लाइट सिचुएशन है और ये आपकी विद लाइट है फुल पावर पे SL60 विद ग्रिड। अब एंड में ग्रिड को भी हटा देंगे तो और आपकी लाइट और ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगी। ग्रिड भी हटा दिए, सिर्फ बांड डोर्स हैं ये आ गए सिर्फ, इसमें आपकी लाइट वाइड हो गई। और जो भी बांड डोर के एंगल के हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैंने एक बांड डोर हटाया तो वहाँ से लाइट अंदर हो गई, ऊपर से कंट्रोल कर लिया, अब बांड डोर के हिसाब से इसमें सारा स्पिल कंट्रोल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अंदर वाली वॉल पे ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये देखिए ये बांड डोर के हिसाब से एंगल कंट्रोल हो रहा है। ये फ्रेम है
जितना जैसा आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और लास्ट में रह गई है प्राइसिंग। तो जो प्राइसिंग है BD04, उसकी प्राइसिंग है आपकी 1700 रुपये, और जो रिफ्लेक्टर है उसकी प्राइसिंग है आपकी 650, और तीसरी चीज़ थी H2 ब्रैकेट की प्राइसिंग है 1600 1600। तो अपनी नीड के हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। किसी को रिफ्लेक्टर की ज़रूरत है तो रिफ्लेक्टर भी ले ले, और अगर किसी को H2 की ज़रूरत है तो ले ले, नहीं तो बार्न डोर तो आपके काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि वो यूनिवर्सल चीज़ है, हर हर फ्लैश और आपकी वीडियो लाइट जो भी कोडक्स है उस पर काम आएगा। और अगर आपको ख़रीदना है तो हमारे स्टोर विज़िट कर सकते हैं, इसका नाम है गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।